इसीलिए मेरी चिंता छोड़, अपनी चिंता कर, क्योंकि अब मेरे रूप में तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समीप आ चुकी है। कुछ नहीं हुआ इस मरकट को, परंतु अधिक देर तक मेरी शक्ति का सामना नहीं कर सकेगा ये। तुमने तो अपनी शक्तियों से मेरा सामना तो कर लिया मरकट, परंतु जो शक्तियां मुझे विरासत में अपने पिता महिरावण से मिली है, उन शक्तियों का सामना तुम नहीं कर पाओगे। वहां अयोध्या में सभी अधीरता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए मुझे शीघ्र इसका अंत करना ही होगा। भैया, ब्रह्म मुहूर्त में मात्र भी एक प्रहर ही शेष है और अभी तक हनुमान जी लौटे भी नहीं हैं। मेरे विचार से हम सभी को स्वयं ही तैयारी कर लेनी चाहिए। मुझे हनुमान की प्रतीक्षा करनी ही होगी। किंतु पुत्र, यदि ब्रह्म मुहूर्त बीत गया तो 14 वर्ष पूर्व ऐसा ही नहीं, नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये शुभ कार्य नहीं रुकना चाहिए। चिंता मत करिए माता, अब कुछ अशुभ नहीं होगा। हनुमान शीघ्र ही लौटेंगे और कार्य को कुशलता से संपन्न अवश्य करेंगे। बस वही रावण, अब तुम्हें रोकना ही होगा। इसके शरीर पर यह द्रव्य उसे चिकना बना रहा है, जिसके कारण इसको पकड़ पाना कठिन हो रहा है। पुनः प्रयास करता हूं। ना मुझे पकड़ सकोगे, ना ही मेरी कोई हानि कर सकोगे।
माला साता अर्थात मल्ल युद्ध में पारंगत प्रतिद्वंदी जिस प्रकार एक दूसरे को चुनौती देते हैं उसका ज्ञान है इसे। इसकी देह चिकनी है, इसे पकड़ना कठिन है, परंतु मैं इस चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकता। अब तुम्हें क्या होगा मरकट, मैं माता के गर्भ से ही कितनी भीषण युद्ध कला सीख कर आया हूं। अरे पिता के हत्यारे मरकट, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, वध कर दूंगा तुम्हारा मैं। इसे परास्त करने के लिए मुझे शक्ति के साथ युक्ति का प्रयोग करना होगा। बात हो गई कीड़ा मरकट, अब मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। शीघ्र इसका अंत करने के लिए मुझे इसकी चिकनाहट को दूर करने का कोई उपाय करना होगा। हो गया क्या है वानर, यहां से वहां कूद क्यों रहा है? कितना भी कूद लो मरकट, परंतु मुझसे बच नहीं सकोगे तुम। शीघ्र तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि कौन किसका अंत करता है। Bye.
अपने मल्ल युद्ध के दाव दिखाओ मुझे। तुम कुछ भी कर लो मरकट, परंतु आज तुम्हारी मृत्यु मेरे इस रावण के हाथों होकर रहेगी। जय धरती माता, जय श्री राम। चाहे कितना भी दाव लगा लो, मुझे परास्त नहीं कर सकते। साथ मल युद्ध का दंगल चाहते थे ना अहिरावण, अब होगा दंगल जिसमें तुम्हारा अंत होगा। अब मैं लौटने में और विलंब नहीं कर सकता। ना बच सकोगे मुझसे, ना मार सकोगे मुझे। अर्थात आज तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों है।
जिसके बाद उस राव और लक्ष्मण का वध करके मैं अपनी मां की इच्छा पूर्ण करूंगा। महारुद्र रूप जो धारी षठदंभी दुष्टा को पछारी पग षठ वक्ष धरी हनुमंता जाको भयो छन भर मह अंता। महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण को हानि पहुंचाने की कल्पना करने का तुमने दुस्साहस किया था। अब दिखाओ अपना साहस। तुम्हारे शरीर में प्राण शेष है तो उठाओ, सामना करो मेरा। हनुमान जी समय पर नहीं लौटे तो इस बार उन्हें प्रभु श्री राम की उस सेवा से वंचित होना पड़ेगा जिसका उत्तरदायित्व उन्होंने लिया है। और उस अधर्म को मुझ धरती पर बढ़ने से पूर्व ही तुमने उसका अंत कर दिया, जिसके लिए तुमने मल्लयुद्ध की कला में अपनी उत्कृष्ट योग्यता का भी परिचय दिया है। इसलिए आज मैं तुम्हें आशीष देती हूँ कि युग युगांतर तक जब जब मल्लयुद्ध होगा वहां तुम्हारा ही नाम स्मरण किया जाएगा और तुम पूजे जाओगे। धन्यवाद माता, परंतु माता मुझे शीघ्र ही प्रभु के पास लौटना चाहिए, वहां मेरा कार्य अधूरा ही छूटा हुआ है। कल्याण हो पुत्र। भैया ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होने वाला है,
और उसके पूर्व ही आपको पूर्ण रूप से सज्जित होकर राज्याभिषेक के लिए तैयार होना है। हनुमान को किसी कारणवश विलंब हो रहा है, परंतु हम विलंब नहीं कर सकते भैया। समय कम है भैया, इसीलिए मैंने वस्त्र और आभूषण की व्यवस्था कर ली है। धन्यवाद भ्राता शत्रुघ्न, परंतु मैंने वचन दिया है, मैं तभी तैयार होऊंगा जब हनुमान स्वयं इन्हें मेरे पास लेकर आएंगे। अपना ये रूप मैं हनुमान के साथ ही त्यागूंगा। आप सब जाइए और तैयार हो जाइए। चिंता मत करो शत्रु, हनुमान अपना कार्य पूर्ण करके आते ही होंगे। हनुमान तो सदैव अपनी भक्ति के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, परंतु आज प्रभु भी अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसर पर शुभ मुहूर्त की बीतने की चिंता किए बिना शांति से अपने भक्त की प्रतीक्षा कर अपने भक्त के प्रति अनूठे प्रेम का उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। हाँ नाथ, हनुमान भी अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, प्रभु को निराश नहीं होने देंगे। वो अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात शीघ्र लौटेंगे और पुनः प्रभु के अधूरे कार्य पूर्ण निष्ठा और समर्पण से पूर्ण करेंगे। हनुमत हृदय मुदित उल्लासा, भू प्रतिखंड पे कर दि प्रकाशा। जगमग जगमग पृथ्वी सारी, देव प्रफुल्लित विस्मित भारी। ये कार्य तो पूर्ण हुआ, परंतु अब मुझे प्रभु की पूजा और राज्याभिषेक की व्यवस्था के लिए यथाशीघ्र लौटना होगा। ब्रह्म मुहूर्त अत्यंत समीप है स्वामी, यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं ले और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर लूं? प्रिय, हनुमान ने मुझसे वचन लिया है कि संपूर्ण व्यवस्था वो ही करेंगे। मुझे विश्वास है कि वो समय रहते समस्त कार्य अवश्य पूर्ण कर लेंगे। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। प्रभु, संपूर्ण व्यवस्था हो चुकी है, आप आइए मेरे साथ। आइए प्रभु, आइए। कब आए हनुमान जी? कैसे बिना किसी को कुछ ज्ञात हुए? आपने सब कुछ प्रबंध भी कर लिया? राम, शुभ कार्य में विलंब किए बिना
हमें राज्याभिषेक की विधि को प्रारंभ करना चाहिए। यशस्वी भगवान। प्रभु आइए। शुभ घड़ी राज्याभिषेक की आई, सबहु प्रबंध कपीश जमाई। राम कराए करतन केशा, केश कपि प्रत्येक सहे जा। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम सिया राम जय हनुमान। पंचामृत स्नान कराई, कमल चरण स्नेह पखाई। वस्त्राभूषण भय सुसज्जिता, इत श्री राम चंद्र उत सीता। राम सिया राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम सिया राम जय हनुमान। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु रंगनाथ का आशीर्वाद लीजिए। पुत्र राम, अब अपने पूर्वजों के कक्ष में चलकर उनका भी आशीष लें।
प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलम् ऋचोत तनुर्यजूंषि सामानि यस्य किरणः प्रभवादि हेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्य रूपम्। कौन देवता स्वरूप महायोद्धा महापुरुष हैं जिनकी भव्य प्रतिमाएं इस कक्ष में स्थित हैं? हनुमान, जिनके नाम पर हमारे वंश का नाम रघुवंश पड़ा, ये मेरे परम पितामह महान पराक्रमी पितृ भक्त महाराज रघु हैं। जिन्होंने अपने पिताश्री महाराज दिलीप के एक आदेश पर अपने प्राणों की चिंता किए बिना सभी संकटों से उनके यज्ञ स्थल की रक्षा कर उनके 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करने के अत्यंत कठिन संकल्प को सफल बनाया। महाराज रघु के त्याग से रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। स्थापित हुई और संपूर्ण जगत में विख्यात हुई। ये हैं महान महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने हम रघुवंशियों को ही नहीं समस्त संसार को सत्य का पालन करने की एक अनूठी सीख दी। प्रभु, माता ने मुझे इनकी कथा सुनाई थी। इन्होंने स्वप्न में अपना राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान देने का मान यथार्थ में भी रखा। सूर्य उदय पर निद्रा से जागृत होते ही स्वयं ऋषि विश्वामित्र को बुलाकर उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया। हाँ हनुमान, महाराज हरिश्चंद्र ने अपने त्याग से सत्य व्रत के पालन का एक अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया। अपने अथक प्रयास और अतुलित धैर्य के लिए जाने जाने वाले प्रभु भगीरथ हैं ये, जिनके पराक्रम के कारण ही माता गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय।
और ये मेरे पिताश्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ। अपने बाहुबल तेज और प्रताप के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध परम यशस्वी थे मेरे पिताश्री। इन्होंने अपने जीवन में प्रत्येक देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी। ये मेरे पूर्वज जिनका अनुसरण करने पर ही मैं एक सफल राजा बन सकता। पुत्र राम, आपके समस्त पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। अब आप अपने कुल देवता महाप्रतापी तेजोमयी सूर्यदेव का भी आशीष प्राप्त करिए। आयुष्मान भारत। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रभु, इस महान रघुकुल के कुलदेव सूर्य भगवान तो मेरे गुरु भी हैं। सूर्यदेव, मैं ज्ञान प्राप्ति की याचना लेकर आपकी शरण में आया हूँ। हे परम पराक्रम अनंत तेजोमय कुल देवता श्री सूर्यदेव जी, आपके और मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद का संबल प्राप्त कर आज राम अयोध्या के राजकाज का भार अपने कंधों पर उठाने जा रहा है। देने का अधिकार मात्र अति विद्वान ऋषि मुनियों को ही हो, परंतु कभी इसकी आवश्यकता ना पड़े। जहां लोभ हो तो मात्र धर्म का, और अभिमान हो तो मात्र पुण्य का। हे कुल देवता, मुझे वरदान दे कि मैं ऐसे सर्व प्रकार से संपन्न राज्य की स्थापना कर सकूं और सदा अपनी प्रजा के प्रति सेवा भाव से समर्पित रहूं।
मैं आपको वरदान देता हूं कि इन्हीं आदर्शों पर आप अपने राज्य को आधारित करने में सक्षम होंगे। जिसके कारण तुम सूर्यवंश के सबसे प्रतापी राजा बनोगे राम, और तुम्हारा राज्य इस संसार के इतिहास में राम राज्य के नाम से सुविख्यात होगा। राम राज्य ही भविष्य में सभी राज्यों के लिए आदर्श बनेगा। मुझे गर्व है पुत्र, सर्वकाल के लिए मेरी ख्याति तुम्हारे पिता के नाम से व्याप्त रहेगी। राम, अब जब आपको अपने समस्त पूर्वजों और स्वयं कुलदेवता का आशीष प्राप्त हो चुका है, तो हमें आपके राजतिलक की विधि प्रारंभ करनी चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। लघुवंश नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। 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 पवन तनय देखी हर साई, सिंहासन को बढ़े रघुराई। पुष्प वर्षा करे नर नारी, राम सिया पुलकित आभारी। राज मुकुट हनुमत ले आए, राज गुरु प्रभु शीश सजाए। भगवन देव गना भी पधारी,
सबहु राम नाम जयकारी। आयुष्मान भव। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री हे प्रभु, आपके अयोध्या नरेश बनने के लक्ष्य रूप हम समस्त देवताओं के आशीष स्वरूप इस मोतियों के दिव्य कंठार को स्वीकार करें। धन्यवाद पवन देव, धन्यवाद देवराजेंद्र। महाराज श्री रामचंद्र की जय। महाराज श्री रामचंद्र की जय। अधर्म के पतन और धर्म की विजय से अंकित ज्ञान के प्रकाश, समाज और राजधर्म की एक नवीन परिकल्पना पर आधारित सर्वत्र धर्म और सुख के विस्तार की कामना से प्रेरित आज राम राज्य का प्रारंभ हो रहा है। अपने प्रधान सेवक के रूप में मुझे स्वीकार करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों की सेवा का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है उसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और सदैव चेष्टा करता रहूंगा कि आप सभी की दृष्टि में एक योग्य राजा बनो। परंतु उसके पूर्व मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके कारण आज मैं इस राजपद को प्राप्त कर सका। प्रभु सर्वप्रथम हनुमान को ही धन्यवाद कहेंगे। इस क्रम में सर्वप्रथम मैं अपने पिताश्री और अपनी तीनों माताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। जिन्होंने मुझे जन्म दिया और उत्तम संस्कार देकर इस योग्य बनाया। अब तो भैया अवश्य ही हनुमान का उल्लेख करेंगे। मैं अपने प्रिय भ्राताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिनका प्रेम और आदर
सदैव मेरी शक्ति बना। लक्ष्मण जो मेरी परछाई बनकर वन में सदैव मेरे साथ रहे। और भरत समर्पण भाव से मेरी छाया बनकर अयोध्या में मेरा मार्ग देखते रहे। मेरी अर्धांगिनी सीता का मैं कृतज्ञ हूं, जिन्होंने सुख दुख के प्रत्येक पल में मेरा साथ दिया। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए देवताओं द्वारा दिया गया उपहार मैं आपको सौंपता हूं। अब भाभी माँ के बाद तो हनुमान का नाम अवश्य लेंगे भैया। दुष्टों के विरुद्ध युद्ध में उनके मार्गदर्शन और सहायता के लिए मैं ऋक्षराज जामन जी का आभारी। और वानर राज सुग्रीव और उनकी वीर वानर सेना का भी आभारी हूं, जिनके सहयोग के बिना सागर पर सेतु बांधकर मैं लंका तक नहीं पहुंच पाता। युवराज अंगद जिन्होंने अपनी पिता की मृत्यु को बुलाकर भी मेरा साथ दिया, उनका कृतज्ञ हूं मैं। प्रभु अब अवश्य ही हनुमान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। लंका नरेश महाराज विभीषण का साथ पाकर ही लंका पहुंचने के बाद हम रावण पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो सके। इनकी धर्म के प्रति निष्ठा के कारण मैं सदैव इनका आभारी रहूंगा। मैं इन भोले भाले वानर वीरों की वीरता और मेरे प्रति निष्ठा के लिए जो भी कहूं वो कम है।
इसलिए इन सभी को मैं अपनी अंतर की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और अपनी ओर से एक तुच्छ भेंट प्रस्तुत करता हूं। क्षमा प्रभु, किंतु आपने मित्र हनुमान के विषय में कुछ नहीं कहा। हाँ भैया, जिन्होंने अपनी चिंता किए बिना सदैव आपके हित के बारे में सोचा, जिनके कारण आज हम सब यहां सुरक्षित हैं, उन राम भक्त हनुमान का नाम नहीं लिया आपने? पुत्र राम, हमारा समस्त परिवार ही नहीं अपितु अयोध्या नगरी के साथ साथ संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले हनुमान के प्रति तो हम सभी कृतज्ञ हैं। फिर भी माता कौशल्या, महाराज विभीषण और भ्राता लक्ष्मण, मैं तो मात्र प्रभु का एक तुच्छ सेवक हूं। मात्र एक भक्त हूं। प्रभु ने कृपा कर मुझे सदैव अपने साथ रखा, अनेकों बार मुझ पर विश्वास किया। प्रभु ने मुझे अपनी शक्ति से समर्थ बनाया कि मैं प्रभु के कार्य कर सका। माता, मुझे तो संसार के समस्त सुख उसी से मिल गए। प्रभु, कृतज्ञ तो मैं हूं। प्रभु, जो आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया, प्रभु आप बस वही कृपा कीजिए मुझ पर। प्रभु, इस भक्त को अपने चरणों से कभी विलग मत कीजिएगा।